क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। मल्टीपल मतलब टेबल, मतलब कोई भी नंबर हो, सपोज 2 हो तो 2 के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 1 2, तो 2 जो आंसर आया वो मल्टीपल कहलाता है 2 का। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, तो 2 4 6 8 जो आए आंसर में वो कहलाते हैं मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है कि कौन से नंबर से उस नंबर को डिवाइड करो तो आंसर वही का वही आए। सपोज़ 2 है तो 2 को डिवाइड करो 1 से, तो 1 2 2 आंसर आता है। वैसे ही 3 है, 3 को डिवाइड करो 1 से, तो 1 3 3, तो फैक्टर्स ऑफ 3 क्या हुआ 1 एंड 3। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हुआ 1 एंड 2। जो नंबर डिवाइड करे नंबर को, उस नंबर को और नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद नंबर खुद और उसके अलावा जो नंबर डिवाइड करे वो दोनों ही कहलाते हैं फैक्टर। ओके, क्वेश्चन 1 है कि डू एज डायरेक्टेड कलर द इवन नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2। इवन नंबर्स मतलब जिसके पीछे 2 4 6 8 हो, मतलब यू वंस की प्लेस पे 2 4 6 8 हो तो वो सारे कहलाते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ पे सारे ही कलर कर देने हैं 2 4 6 8। फिल द रेड कलर इन मल्टीप्लीज ऑफ 5। मल्टीप्लीज ऑफ 5 मतलब 15 20 25 35 से लेके 95 10 से लेके 100, ये सारी ही मल्टीप्लीज ऑफ 5 है। कैसे 5 1 5 5 2 10 15 20 25 30 35 40 45 5 9 45 and 5 10 15, लेकिन 5 11 55, वैसे 12 5 60, 13 5 65, 14 5 70, तो वैसे करते जाना है तो मल्टीप्लीज मिलेंगे। फिल द ग्रीन कलर इन द मल्टीप्लीज ऑफ 7। 7 का टेबल पूरा, मतलब 10 पे रुक नहीं जाना है कि 10 7 70, वहाँ पर छोड़ नहीं देना है। फिर 11 7 77, फिर 12 7 13 7, वैसे करते जाना है। तो इस तरह से जो भी कलर ग्रीन कलर करना है वो मल्टीप्लीज ऑफ 7 में करना है। राइट आउट द नंबर्स दैट आर रिमेनिंग, अभी जो नंबर्स बच गए उसे यहाँ पे नीचे की ओर लिख देना। याद रखना है कि 1 जो कि है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अभी प्राइम और कंपोजिट क्या है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमें सर्कल करने के बाद बचते हैं वो सारे ही नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। मतलब ये सारे नंबर्स डिविजिबल नहीं है, मतलब इनको अगर डिवाइड करने जाओ तो कोई भी नंबर से डिवाइड होते नहीं हैं, तो ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर मतलब जो भी नंबर हमने सर्कल लगाए ये सारे ही नंबर डिविजिबल है, मतलब किसी ना किसी से उसका डिवीजन होता है, तो ये कहलाता है कंपोजिट नंबर्स। राइट द फैक्टर्स ऑफ 1 2 20 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे हमने फैक्टर्स लिखने हैं, तो 1 का फैक्टर होता है सिर्फ 1, उसका और कोई नहीं होता। 2 का मैंने बताया, 3 का बताया, वैसे 4 का याद रखना है। फैक्टर्स कैसे ढूंढना है, तो शुरू हमें 1 के टेबल से करना है, क्योंकि हर एक का डिवीजन करो तो वो 1 से होता ही है। चाहे 325 इतना बड़ा ही नंबर क्यों ना ले लो, लेकिन 325 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमेशा 1 हर एक का मतलब फैक्टर होगा। अभी 2 के टेबल में 4 आता है और 4 के टेबल में भी 4 आता है, तो 1 2 एंड 4, वैसे ही 5 का तो 1 5, 1 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 6, 3 के टेबल में 6 एंड 6 के टेबल में 6, तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक, 9 तक जाना है। और जितने भी नंबर से वो डिवीजन हो रहा है उस नंबर का, यहाँ पे मैं 6 की बात करूँ तो 6 का डिवीजन हर एक नंबर से होगा, तो वो नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं, वो कहलाते हैं फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, इस तरह से 20 तक कंप्लीट करना है। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 4 डिड यू फाइंड, विच आर दे। 4 के कितने फैक्टर्स हैं, तो हमें मिले 1 2 एंड 3।
थ्री फैक्टर्स, और कौन कौन से हैं? वन टू एंड फोर। वैसे ही हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ सेवन डिड यू फाइंड, विच आर दे, तो आगे जो हमने टेबल किया कंप्लीट उसमें से देख के आंसर लिखना है कि देर आर टू फैक्टर्स ऑफ सेवन। कितने फैक्टर्स मिले थे सेवन के? देख सकते हो यहाँ पे सेवन के वन एंड टू दो मिले, तो कौन कौन से मिले? वन एंड सेवन। तो यहाँ पे लिखना है वन एंड सेवन, यहाँ पे सेवन की सेवनटीन हो गया है लेकिन ये है सेवन। ओके, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेम टू सेम ही है, उसके बाद वाला है हाउ मैनी आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ सिक्स एंड ट्वेल्व, वीच आर दे, वो कौन से है। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर कॉमन आ रहा हो सिक्स के फैक्टर्स में और ट्वेल्व के फैक्टर्स में। तो देखते हैं पहले सिक्स के फैक्टर्स और ट्वेल्व के फैक्टर्स। यहाँ पे है सिक्स के फैक्टर्स वन टू थ्री सिक्स, और ट्वेल्व के फैक्टर्स है वन टू थ्री फोर एंड सिक्स। तो सिक्स कॉमन है, थ्री कॉमन है, टू कॉमन है और वन कॉमन है, तो वन टू थ्री सिक्स ये फैक्टर्स हो गए कॉमन। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर्स लिख सकते हो। विच नंबर हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर, ये उसके जैसा ही है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो ये भी। ओके, लीस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके पास होते हैं? तो वन, मैंने पहले लास्ट जब टेबल की शुरुआत की तब भी बताया कि वन अकेला नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर, बिगेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? तो नंबर इटसेल्फ, मतलब नंबर वो खुद, जो नंबर हो वो खुद अपना सबसे बिगेस्ट फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्टेट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, अभी बड़े नंबर्स है, 20 से ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो याद रखना है मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल ही लिखना है, जैसे कि 25 लेकिन शुरू कहाँ से करना है? 1 से। फिर 2 के टेबल में 25 नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है, 3 के टेबल में 25 आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना है, तो जिसके टेबल में आए वही वाला लिखना है। तो इस तरह से फैक्टर्स हमें मिले 1, 5 एंड 25। कैसे लिखना है? ये वाले जितने भी नंबर्स हो वो, और पीछे यहाँ पे एक और बार 25। नंबर इटसेल्फ तो लिखना ही है, नंबर इटसेल्फ मतलब नंबर वो खुद। ये वाला देखते हैं, 36 है तो 1 के टेबल में 36, 2 के टेबल में 36 आ रहा है, 3 के टेबल में 36, लेकिन ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 3 के टेबल में 26 आएगा? क्योंकि आप लोगों को तो 3 10 से 30 तक आता है, लेकिन 3 को डिवाइड करो 36 से तो आंसर आएगा 12। तो हमेशा याद रखना, या तो टेबल आना चाहिए या तो डिवीजन आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं करना है, 36 को डिवाइड करो 3 से, 3 वन ज़ा 3 0, 3 टू ज़ा 6, तो यहाँ पे आया 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, तो इस तरह से आया 12 3 ज़ा 36। वैसे ही 4 से डिवीजन करना है, 36 डिवाइड बाई 4, 4 9 ज़ा 36, तो 4 9 ज़ा लिख दिए। फिर 6 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 से डिवीजन नहीं हो रहा है तो हमने 5 से किया नहीं है, लेकिन आपको हर एक नंबर लेके डिवीजन करते जाना है। सेम टू सेम यहाँ पे भी 35 को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, वैसे 9 तक नंबर्स यूज़ करने हैं डिवीजन करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इंटू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जो नंबर डिविजिबल ना हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये बहुत इजी मेथड है, 28 है तो 28 को पहले लिख दो, फिर 28 को डिवाइड करो 2 से, 2 से डिवाइड किया, याद रखना जिसके पीछे 2 4 6 8 हो वो नंबर कहलाते हैं इवन नंबर्स। तो हमेशा इवन नंबर्स मतलब जिसके पीछे 2 4 6 8 या भी 0 हो, तो वो भी 0 भी डिवाइड हो सकता है 2 से,
तो डिवाइड किससे करना है, 2 से। इन शॉर्ट 28 है, तो 28 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 14 आंसर आएगा। 14 टू ज़ा 28। वैसे 14 को मैं फिर से डिवाइड करूँ, देखो 14 भी इवन नंबर है क्योंकि उसमें भी 2, 4, 6, 8, 4 आ गया, तो इवन नंबर हो गया। तो 14 को भी 2 से डिवाइड करो, फिर से 14 को 2 से, तो 7 टू ज़ा 14, तो 7 इंटू 2 बाद में लिखना है और लास्ट में 2, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है 24, तो ये पता होना चाहिए कि 12 के टेबल में 24 आता है, तो 12 टू ज़ा फिर से 2, मतलब अगर इवन नंबर आए यहाँ 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 तो जो इवन नंबर हो उसका डिवीज़न 2 से करना है, अगर इवन ना हो ऑड हो तो हम लोग 3, 7 ले सकते हैं। अगर लास्ट में अगर 5 हो, सपोज़ यहाँ पे मैं 55 लिखूँ, तो आप लोगों को डिवीज़न 5 से करना है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है, मतलब डिवीज़न करो, फिर उसके ऊपर कोशेंट आए उसके साइड वाला के साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना है। अगर टेबल आ रहा है तो बहुत इजी है, क्योंकि 12 टू ज़ा 24, फिर 12 का 6 टू ज़ा 12, फिर 6 का 3 टू ज़ा 6, तो इस तरह से करना है। और जो नंबर आ रहा है वो एज इट इज़ रिपीट ही करना है, तो लास्ट में 3, 2, 2, 2 बचा, जो कि सारे के सारे प्राइम नंबर से, क्योंकि ये सारे नंबर्स हम लोग डिवाइड कर सकते नहीं हैं। वैसे ही 40 का 20 टू ज़ा 40, फिर 20 को डिवाइड करो, 10 टू ज़ा 20, फिर 10 को डिवाइड करो, 5 टू ज़ा 10, लेकिन ये जो नंबर्स आ रहे हैं वो एज इट इज़ ही आने चाहिए। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो डायरेक्ट आंसर 40 आएगा, 5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 टू ज़ा 40, तो इस तरह से प्राइम फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन करना है। नेक्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब सबसे पहले याद रखना है कि अगर इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड, ऑड नंबर हो तो 3 से डिवाइड, अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए और छोटे नंबर्स होने चाहिए और बड़े नंबर्स नीचे की ओर। तो अगर 30 को डिवाइड करो 2 से तो आंसर आता है 15, 2 15 ज़ा 30, वैसे ही 3 5 ज़ा 15, वैसे ही 5 1 ज़ा 5। समझ आ रहा होगा, ना समझ आए तो यहाँ पे देखो कि 2 को मैं डिवाइड 30 को डिवाइड करूँ 2 से, इवन नंबर है तो 2 1 ज़ा 2, 1 ऊपर से आया 0, 2 5 ज़ा 10, क्या आया 15, तो 15 नीचे लिखना है और 2 बाजू में। फिर से 15 को डिवाइड करो, देखो 5 है पीछे, तो या तो 5 से करो या तो 3 से करो। तो पहले तो 3 के टेबल में आता ही है, तो छोटा नंबर सबसे पहले ले लेते हैं, तो 3 5 ज़ा 15, तो 5 नीचे 3 ऊपर, फिर से 5 से डिवीज़न करो क्योंकि 5 बचा है। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि नीचे की ओर 1 ही बचना चाहिए, फिर यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए वो सारे यहाँ पर लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्टेट द कॉमन फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अगेन कॉमन फैक्टर्स जब पूछे तब हमेशा याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है। जैसे कि हम लोग लास्ट में सिर्फ और सिर्फ ये लिखते थे, इस वाले में 2, 3, 5, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स नहीं चाहिए, कॉमन फैक्टर्स ढूंढने के लिए हमें सारे ही फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था, यहाँ पर जैसे सारे लिखे थे ना, यहाँ पे 14 है, 14 के नंबर में फैक्टर्स 2, 1, 2, 7 और 14, तो 1 और 14 जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अगर जब प्राइम फैक्टराइजेशन पूछे तो ही इस मेथड से, डिवीजन वाली मेथड से, या तो फिर ये वाली मेथड यूज़ करनी है। अगर ऐसे पूछे कि कॉमन फैक्टर्स ढूंढो तो हमें सारे ही फैक्टर्स लिखने हैं। तो 7 के फैक्टर्स है 1 एंड 14, एंड 14 के फैक्टर्स है 1, 2, 7 एंड 14। अभी इनमें से कॉमन कौन सा नंबर है, तो 7 दोनों में, 7 और 14 में 7 कॉमन है, तो लिखना है कॉमन फैक्टर इज़ 7। 36 एंड 45 में लिखते हैं, सारे ही नंबर्स लिख दिए, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड 1 जो कि नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, मतलब ना कि प्राइम ना तो कंपोजिट, तो वो भी लिख दिया है।
इस तरह से नंबर्स लिख दिए, फिर जो भी नंबर कॉमन आ रहे हैं उसे अंडरलाइन किया और बाकी के कॉमन नंबर्स लास्ट में लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट 5 मल्टीप्लीज मैंने पहले भी समझाया, मल्टीप्लीज मतलब टेबल, तो 5 तक टेबल लिखना है, मतलब जो नंबर पूछा हो उसको मल्टीप्लाई बाय 5 तक जाना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, मतलब 5 तक टेबल लिखना है। अगर इसकी बात करें 6 का, तो 6 का टेबल 5 तक लिखना है। 9 पूछे तो 9 का टेबल 5 तक लिखना है, मतलब 9 5 45, वैसे तक उतने तक लिखना है। तो इस तरह से आप लोग राइट द फर्स्ट 5 मल्टीप्लीज ऑफ द फॉलोइंग नंबर लिख सकते हैं।